guys, what's up? Welcome back to my channel Chop Munch Repeat. My name is Shama and welcome back to another vlog. आज मैं आई हूँ CBD बेलापुर नवी मुंबई के शिवराज ढाबा में जो एकदम मेरे पीछे है. एंड इस प्लेस को ना यहाँ पे ओपन हुआ है आई थिंक एक दो साल हो गए हैं, बट एक्चुअली इस प्लेस की लेगेसी ना इससे काफ़ी पुरानी है. आई टेल यू वाई. अगर कभी आप लोग पुणे कोल्हापुर वाले हाईवे से गए होंगे तो बीच में एक सिटी आती है कराड़ करके, एंड कराड़ का ये बहुत ही फेमस ढाबा है शिवराज ढाबा. और इनकी एक स्पेशलिटी है अखा मसूरा, जो मतलब हर कोई यहाँ पे आता है ना तो वो वही खाने आता है. इनकी एक और स्पेशलिटी है जो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी. आज मैं आपको पूरा इनका एम्बियंस दिखाऊंगी, इनका खाना दिखाऊंगी. इनका मेन्यू भी थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा हटके है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ कम्प्लीट रिव्यू सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू बेलापुर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विजिट दिस प्लेस. लेट्स गो इनसाइड. अभी हम लोग अंदर आके बैठ गए हैं. आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. लंच और डिनर पीक टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होती है बिकॉज सब लोगों को पता है कि ये ना प्रॉपर फूड है. मतलब महाराष्ट्रियंस को ये वाला खाना बहुत पसंद है. मैंने अभी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है. इनकी जो स्पेशलिटी है अखा मसूरा वो तो मैंने मंगाया ही है. इसके साथ मैंने और दो नहीं तीन चीज़ें और मंगाई है जो आप लोग देखना बहुत पसंद करोगे. जस्ट वेटिंग फॉर माई फूड. आई एम एक्सट्रीमली हंग्री एज यूजुअल, बट आई टेल यू वॉट इज़ द वन यूनिक थिंग. आप ये देख रहे हो, दिस इज़ देयर मेन्यू. इतना ही मेन्यू है. मतलब देर आर हार्डली आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 देर आर हार्डली 12 to 15 आइटम्स इन देयर मेन्यू. इतना ही कॉम्पैक्ट मेन्यू है. एंड इसमें अच्छी बात ये है आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगे. दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी आप आओगे ना आपको फटाक से खाना आ जाएगा. आपको हमेशा फ्रेश फूड मिलेगा और आपको बहुत फटाफट सर्विस मिलेगी यहाँ पर. द फूड इज योर. आई टेल यू क्या क्या है. सबसे पहले तो ये है, दिस इज़ अखा मसूरा. ये है इनकी स्पेशलिटी, आप देख सकते हो. इसी के साथ मैंने मंगाया है बैंगन मसाला. दिस इज़ अ वेरी टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल बैंगन मसाला विच लुक्स एब्सोल्यूटली डिलिशियस. एंड देन लेट मी टेल यू यहाँ की दूसरी स्पेशलिटी क्या है. इट्स दिस. Do you see the size of this roti? This is huge. This is like really huge. But at the same time, it is very thin and it is very nicely made. बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत सारा अभी और इंतज़ार नहीं हुआ जाता. Okay. One more thing I ordered, I'll tell you. ये जो कुल्लड़ वाला दही आप लोग देख रहे हो, ये दही है ना, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये दही इसी में जमाया जाता है. एंड स्पेशल इसलिए है क्योंकि कितनी जगह पे आपको कुल्लड़ में दही सर्व किया जाता है यार, इतने अमेजिंग खाने के साथ. लेट अस स्टार्ट पहले रोटी से शुरुआत करते हैं. लुक एट द रोटी यार, इट्स सो क्रंची. मतलब इतनी मस्त बनाई है ना, मस्त पतली रोटी है. लेट्स ट्राई देयर फेमस अखा मसूरा. ये देखो, दीज आर होल रेड लेंटल्स. अगर आप लोग ने खाया होगा, आई थिंक मैक्सिमम जगह पे इसको मसूरा ही कहते हैं. महाराष्ट्रियंस में मसूर की जो दाल होती है ना साबुत वाली, ये वो है और उसकी करी है. इसको लेते हैं बढ़िया रोटी में. आ हा हा, ओह माय गॉड. क्या एक नंबर आइटम है यार ये. मतलब एक मैं चीज़ आपको बताती हूँ इसके बारे में कि इसको आप जब खाते हो ना तो मैक्सिमम फ्लेवर आपको ऑफकोर्स मसूरा का आता है, जो रेड लेंटल्स का आता है. उसी के साथ जो स्पाइसेस इन्होंने यूज़ किए हैं ना, बहुत सारा गरम मसाले का फ्लेवर है, जीरा का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है. साथ ही में ये जो पूरी मसूरा की जो कंसिस्टेंसी, जैसे आप लोग देख सकते हो कंसिस्टेंसी इतनी बढ़िया है ना कि ये बहुत ही एक नंबर आइटम है खाने के लिए. नो वंडर ही इनकी स्पेशलिटी है. Mmm.
good, so good. Let us also try the बैंगन मसाला. Now मैं रोटी के बाइट देखो कितने बड़े बड़े बना रही हूँ क्योंकि रोटी काफ़ी पतली है और काफ़ी क्रुकुरी अच्छी लग रही है. वाओ. आप इसका प्रेपरेशन देखो, इसका मसाला देखो, मतलब यू कैन सी पीनट्स, यू कैन सी एकदम ऐसे मैश कुछ नहीं किया हुआ है, तो एक एक अंदर का इंग्रेडिएंट ऐसे दिखाई दे रहा है. सो ट्राई करते हैं. मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि बैंगन भी इतना टेस्टी बन सकता है. वो गुड. I'll tell you, बैंगन and peanuts is the kick-ass combination. इसकी ग्रेवी इतनी and दोनों भी ना बहुत spicy है. मैं आपको बता दूँ दोनों भी आइटम काफ़ी spicy है. आपको देखने में ऐसे लगेंगे नहीं, बैंगन तो फिर भी spicy लग रहा है, अखा मसाला देखने में ऐसा लग नहीं रहा है, पर दोनों एकदम ज़बरदस्त spicy है. और इसके लिए आई थिंक इसी के साथ ये लोग ये वाली दही सर्व करते. ये है इनकी दही, ये देखो ये लोग कुल्लड़ में ही यहाँ पर जमाते हैं दही को. आहा हा. सो गुड. एकदम मुझे स्वदेश वाइब आ रही है आज. एवरी थिंग ना, ईच एंड एवरी आइटम जो हमने आज मंगाया है एंड जो उनके मेन्यू में भी है, सब कुछ है ना बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है. जैसे कि आप ये अखा मसूरा देख सकते हो, ये हम दो लोग खा रहे हैं और इसकी प्राइस सिर्फ 130 रुपीज़ है. दिस बैंगन मसाला इज़ ओनली फॉर 100 रुपीज़ एंड दिस बटर रोटी, दिस ह्यूज बटर रोटी इज़ फॉर 30 रुपीज़. तो एवरी थिंग इज़ वेरी रीजनेबली प्राइज. और इसलिए मैंने देखा है बहुत बार यहाँ पर लोग रेगुलर बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक तो आपको इतनी फास्ट सर्विस मिलती है, दूसरी आपको इतना रीजनेबल खाना, इतना अच्छा खाना मिलता है, एंड तीसरा मैं आपको बता दूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे मत समझना कि मैं ज़बरदस्ती तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली खाना बहुत अच्छा है. अगर आप नवी मुंबई में कभी भी हो, इनफैक्ट अगर आप कभी कराड़ भी गए हो ना, तो दिस इज़ वन प्लेस यू मस्ट ट्राई एंड दिस इज़ अ डिश यू विल नॉट फॉरगेट वेरी इजीली. सो गुड. इस प्लेस की ना पूरी वाइब, मतलब जैसे आप नाम से देख सकते हो शिवराज ढाबा, तो ये पूरी वाइब ही ऐसी है. वहाँ पे आपने देखा होगा शिवाजी जी का आइडल रखा हुआ है और सबसे पहले उनको खाना सर्व होता है एंड यू गेट दैट वाइब कि आप मतलब शिवाजी राजे के साथ बैठ के खाना खा रहे हो. एकदम राजमहल वाला एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट में ना. ओवरऑल आपको एकदम अर्थी फील आएगी, क्योंकि ना पूरा आप अगर रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखोगे ना तो, और पूरा आर्किटेक्चर देखोगे तो उसी टाइप का है. आपको एकदम ऐसे ही लगेगा जैसे आप किसी एकदम मराठा किले के अंदर बैठ के खाना खा रहे हो, एकदम राजा महाराजा की तरह. और राजा तो हमारे है ही हमारे साथ यहाँ पे. That is it for this vlog, guys. इतना ज़्यादा खाना खाया है मैंने, पर इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, बहुत टाइम तक, आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक यहाँ के खाने का टेस्ट मेरे दिल में और मेरी ज़ुबान पे रहने वाला है. और जैसे ही ख़त्म होगा ना मैं दोबारा आऊँगी. इतना डिलीशियस फूड आपको हर रोज़ नहीं मिलता है. आई होप यू गाइज़ लव दिस वीडियो. खाना बहुत अच्छा है, जब भी आओगे ना डेफिनेटली ट्राई करना. बहुत ही रीजनेबल रेस्टोरेंट है, इट्स अ कम्प्लीट फैमिली प्लेस. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर कॉमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ये वीडियो को उन सबके साथ शेयर करो जिन सबके साथ आप यहाँ पर आना चाहते हो. हियर्स मी साइनिंग ऑफ. बाय बाय.